आज हम बनाएंगे मोतीचूर के लड्डू। पहले लेंगे 1 कप बेसन। बेसन को अच्छे से छान लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। 1 कप पानी को थोड़ा थोड़ा डाल के मिलाते जाएंगे। व्हिस्कर के हेल्प से मिलाएंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे। मेरा यहाँ पर 1.5 कप पानी लगा है। बैटर को थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रख देंगे। एक ग्लास लेंगे, उसके ऊपर पाइपिंग बेग रखेंगे। पाइपिंग बेग के ऊपर बैटर को डाल देंगे। पाइपिंग के ऊपर एक रबर बैंड के हेल्प से इसे बंद कर लेंगे। अब पाइपिंग बैग में बारीक सा कट लगाएंगे। बूंद बूंद करके बैटर ऐसे गिरना चाहिए। पाइपिंग बैग को प्रेस करके रखेंगे और गरम तेल के ऊपर बैटर को डालते जाएंगे। बस पाइपिंग बैग को प्रेस करके इसे हिलाते जाएंगे और अपने आप ही सारे बूंदी बनते जाएंगे। जब तेल में बबल्स आना बंद हो जाए तब एक स्ट्रेनर का हेल्प से बूंदी को छान लेंगे। ऐसे करके सारे बूंदी फ्राई कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कप चीनी, 1 कप पानी। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। अच्छे से सबको मिला लेंगे। चाशनी हमारा 1 उबाल आने के बाद बूंदी ऐड करेंगे। चाशनी में उबाल आ गया है, अब इसमें बूंदी ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। गैस के फ्लेम को सीम रखेंगे। बूंदी सारा चाशनी सोखने तक इसे ढक के पकाएंगे। बूंदी सारा चाशनी सोख लिया है, अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच घी, 2 चम्मच मेलन सीड। अच्छे से मिला लेंगे सबको। गैस के फ्लेम को बंद करके इसे रूम टेम्परेचर में आने के लिए छोड़ देंगे। मोतीचूर हमारा ठंडा हो गया है, अब हाथ में थोड़ा थोड़ा लेके लड्डू बना लेंगे। इतना इजी रेसिपी है, एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने के लिए मन करेगा और बनाने के लिए मजा भी आता है। इस रक्षाबंधन में जरूर बनाएगा और सबको खिलाएगा। लड्डू में थोड़ा थोड़ा चांदी का वर्क लगा लेंगे। अब कटे हुए पिस्ता से लड्डू को सजा देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ।